रमजान मुबारक की आमद आमद है, लेकिन सियालकोट में महंगाई का जिन रमजान से पहले ही बेकाबू हो गया। एशिया खुर्दोनोश की कीमतों में दिन ब दिन इजाफे से आवाम परेशान। इसी हवाले से मजीद जानते हैं सियालकोट में मौजूद नुमाइंदा उमर भट्ट से। जी उमर, क्या तफसीलात है, आगाह करें। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ सियालकोट सहूलत बाज़ार में, सस्ता बाज़ार में मौजूद हूँ। रमज़ान की आमद आमद है, रमज़ान से पहले ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। बात की जाए सब्जियों की, तो यहाँ पर सब्जियों की कीमतें वो आसमानों से बातें करने लगी हैं। अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में होशरबा इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। रमज़ान से पहले ही जो बात की जाए अगर मसाला जात की, जिनमें लहसुन टमाटर अदरक प्याज, उनकी कीमतों में होशरबा इजाफा हो चुका है। दुकानदारों की जानब से रेट लिस्ट तो अवीज़ा की गई है, लेकिन कस्टमर को जो रेट लिस्ट के मुताबिक यहाँ पर वो अशिया फराहम नहीं की जा रही, मनमाने रेट यहाँ पर वसूल किए जा रहे हैं, जिसके बाद दिहाड़ीदार तबका जो है वो काफ़ी परेशान है। शहरी जो काफ़ी परेशान है, मजदूरदार तबका इस वक्त इंतहाई परेशान दिखाई दे रहा है। शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान से पहले ही जो महंगाई का जिन बाहर आ चुका है, उसकी वजह से जो दिहाड़ीदार तबका और गरीब आवाम काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। जो एशिया खुर्दोनोश की रोज़मर्रा एशिया की जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी हद तक इजाफा यहाँ पर हो चुका है। तो शहरियों का यही कहना है कि रमज़ान से पहले ही जो महंगाई है उसकी वजह से हम काफ़ी परेशान हैं। तो इस बाबरकत महीने में सियालकोट इंतजामिया को चाहिए को वो आवाम को सस्ती अशिया फराहम करें ताकि उनका जो वो गुजारा हो सके। तो शहरियों का डी सी सियालकोट से यही मुतालबा है कि जो यहाँ पर जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनको फाल करें ताकि जो रेट के मुताबिक यहाँ पर आवाम को अशिया फराहम की जा सके।